अब सबर की एक और मिसाल। इन सफा वल मरवा तमिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। सफा और मरवा दो पहाड़ियां हैं मक्का में, हरम पाक यानी खाना काबा के मशरिक की जानिब। इन दोनों के दरमियान सही करना वाजिब है। हज और उम्रा नहीं होता जब तक के काबा के तवाफ के अलावा सही न की जाए। हदीस में आता है, इस आओ सही करो, फ़इन्नल्लाह कतब अलैकुमुस सईया, बस बेशक अल्लाह ने तुम पर सही को लिख दिया यानी फर्ज कर दिया है, लाजिम है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक रिवायत है बुखारी की, वल्लाहि मा अतम्मल्लाहु हज्ज इमरिन वला उमरतहु लम यतुफ बैन सफा वल मरवा, अल्लाह की कसम किसी शख्स का हज और उमरा तमाम नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता जब तक के वो सफा मरवा के दरमियान सही ना करे, तवाफ ना करे। तो यहाँ पर क्या फरमाए, इन सफा वल मरवा तमिन शायर अल्लाह, सफा व मरवा अल्लाह के शायर में से है। फमन हज अलबैता, तो जो कोई बैतुल्लाह का हज करे अवतमरा या उमरा करे, फला जुनाह, तो उस पर कोई गुनाह नहीं, अय्यतवफ बिहिमा, कि वो उन दोनों के दरमियान तवाफ करे यानी सात चक्कर लगाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सही लाजिम है और दूसरी तरफ यहाँ ये क्यों कहा जा रहा है कि कोई गुनाह की बात नहीं, हरज नहीं। तो बात यह है कि इस्लाम से पहले दौर जाहिलियत में इन दो पहाड़ियों पर दो बुत रखे हुए थे और लोग उन बुतों की पूजा किया करते थे, उन बुतों का तवाफ करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की रोशनी आम की तो सहाबा कराम को इस बात की फिक्र हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दौरे जाहिलियत की यादगार है और उन बुतों के माजी में यहाँ होने की वजह से इसकी सही करना दुरुस्त न हो। तो वो उन बुतों की वजह से सही से एतराज करने लगे या उनके दिल में एक हरज हुआ। हरज किसको कहते हैं, तंगी को। तो उस पर ये क्लैरिफाई कर दिया गया कि ऐसा करना दुरुस्त है क्योंकि ये दौरे जाहिलियत की यादगार नहीं, इसका ताल्लुक तो बहुत पहले से है, इस अमल की इब्तिदा तो बहुत पहले हुई थी। कब हुई थी, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का मिला के आबाद किए थे। आपको मालूम है कि हजरत हाजरा हजरत सारा की कनीज थी। सारा कौन है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी जो हिजरत की थी उनके साथ, फिर उन्होंने उनसे शादी की थी और शादी करने के बहुत अरसे तक उनकी औलाद नहीं हुई। ये लोग हर्रान में रहते थे, हर्रान एक इलाका है, मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, आजकल बाउंड्रीज पर है सीरिया और टर्की के। तो हर्रान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम काफ़ी अरसे तक रहे और वहाँ उन्होंने दीन की दावत दी, लोग नहीं माने तो बिल आखिर उन्होंने भी मजबूर कर दिया कि वो वहाँ से निकले। तो वहाँ से वो निकल कर इजिप्ट की तरफ चले। तो इजिप्ट का जो बादशाह था उन दिनों बहुत जालिम था, जब उसे पता चला कि एक शख्स अपनी बीवी के साथ यहाँ आ रहा है और हजरत सारा के बारे में रिवायात में आता है कि वो दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत थी सिवाय हजरत हव्वा के, हजरत हव्वा की ब्यूटी जो है वो सबसे ज़्यादा थी और उसके बाद हजरत सारा। और सारा का जो असल प्रोनंसिएशन है भी सारा, तसुर नाजरीन का जरूरत है ना, सीन रे रे यानी कि खुश करने वाली एक तरह से। बहरहाल अब ये था कि जब उस बादशाह ने ये चाहा कि वो हजरत सारा को ज़बरदस्ती ले ले हजरत इब्राहिम से, और उसने ऐसा ही किया, उसने अपने सिपाही वगैरह भेजे और उनको वो जबरन पकड़ के ले आए। इतने में हजरत सारा ने अल्लाह सुबहान तआला से दुआ की और पीछे इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी दुआ कर रहे थे। तो जो ही जालिम बादशाह ने हजरत सारा की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ वहीं शल हो गया। तो उसने रोना धोना कर दिया कि ये क्या हुआ। बहरहाल उसने माफ़ी मांगी और कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि मैं ठीक हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बहरहाल उन्होंने दुआ की, वो ठीक हुआ। फिर उसने दोबारा अटैम्प्ट किया, तीसरी दफ़ा अटैम्प्ट किया, तो फिर बिल आखिर उसने कहा कि ये कोई मामूली औरत नहीं है। और उनको खुश करने के लिए उसने कुछ जेवरात भी दिए और साथ एक कनीज भी थी। ये कनीज हजरत हाजरा थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत सारा को लेकर वापस पैलेस्टाइन आए, फलस्तीन आए। हजरत हाजरा भी वहाँ थी और हजरत हाजरा हजरत सारा की कनीज के तौर पर रहती रही। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं है और उनको इस बात की फिक्र है कि उनके बाद दुनिया में कोई दीन का पैगाम आम करने वाला हो, तो उन्होंने
अपनी खुशी से, हजरत सारा ने अपनी खुशी से हजरत हाजरा को उनकी खिदमत में पेश किया कि आप इससे निकाह कर लें ताकि आपकी औलाद हो। अब हुआ ये कि जब वो निकाह हुआ तो अल्लाह सुबहान तआला ने उनको हजरत इस्माइल दे दिए, बेटा पैदा हुआ। अब ये था कि वो जो जेलसी होती, इंसान कितनी भी खुशी से कोई कुर्बानी करे लेकिन जो इंसान के अपने फितरी जज्बात हैं वो तो हैं, और ये सिर्फ वहाँ नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात थी उनके दरमियान भी बहम कुछ न कुछ चलता रहता था, क्योंकि कोई कितना भी नेक हो, बड़ा हो, लेकिन इंसानी जज्बात बहरहाल अपना काम करते रहते और अप्स एंड डाउन जिंदगी में आते रहते। अब क्या हुआ कि जो ही इस्माइल अलैहिस्सलाम थोड़े से बड़े हुए तो अल्लाह सुबहान व तआला ने हुक्म दिया कि हजरत हाजरा और इस्माइल को यहाँ से लेकर एक और जगह पर जाकर आबाद कर दें। वो मक्का में उनको दोनों को ले आए जहाँ थोड़ी सी खजूरें और पानी साथ लाए थे, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन दोनों को छोड़कर वापस चल दिए। जब वो जा रहे थे तो हजरत हाजरा ने पूछा कि आप हमें यहाँ कहाँ छोड़ रहे हैं, वो खामोश रहे। फिर आगे गए तो फिर हजरत हाजरा पीछे आई, कहा कहाँ छोड़ रहे हैं हमको। फिर खुद ही बोली कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे शौहर अल्लाह के हुक्म के आगे कोई दूसरी बात नहीं देखते, ताकि किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करते। तो वो जब वहाँ से जाने लगे तो हजरत हाजरा ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। अगर आप अल्लाह की खातिर निकल रहे हैं तो वो हमें ज़ाया नहीं करेगा, वो हमारा ज़रूर बंदोबस्त करेगा। बहरहाल खाना पानी ख़त्म हुआ, हजरत हाजरा परेशान हुई क्योंकि हजरत इस्माइल प्यास से बिलख रहे थे। तो पानी की तलाश में वो पहले सफ़ा की तरफ गई, उस पहाड़ी पर चढ़ के आसपास देखा कि कहीं और कोई पानी हो तो वहाँ से जाके बच्चे के लिए पानी लाऊं, कहीं नहीं था। वहाँ से नीचे उतरी तो दूसरी तरफ दूसरी पहाड़ी मरवा के ऊपर जाके चढ़ी और देखा कोई पानी नहीं था। बहरहाल वो कभी मरवा पर चढ़ती कभी सफ़ा पर चढ़ती हैं, और इस तरह वो इस दौड़ में लगी रही कि बच्चे के लिए कुछ पानी लें, और बच्चे की चीख पुकार भी साथ साथ सुन रही थी। थोड़ी देर हुई तो बच्चे की चीख पुकार बंद हो गई, तो उन्होंने महसूस किया कि शायद कुछ हो गया उसको। बहरहाल तेज़ी से बच्चे की तरफ दौड़ी, जब आके देखा तो वहाँ तो पानी था, तो पता चला कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर की टिप मारी ज़मीन पर और पानी वहाँ से निकल आया। तो हज़रत हाजरा ने पानी को रोका और कहा जम जम, जम जम का मतलब है कि रुक जाओ, उसे कंटेन कर रही थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर हमारी माँ हाजरा इसको न रोकती तो यहाँ पानी का दरिया चलता, लेकिन बहरहाल उन्होंने जब इसको रोका तो वो उसी जगह पर रुक गया और एक कुएं की शक्ल इसने इख्तियार की लेटर ऑन। तो ये जो हजरत हाजरा का अल्लाह की रजा पर राजी होना था और अपने शौहर के साथ एक हुस्न मामला करना और इस कुर्बानी के लिए तैयार होना और बगैर किसी शिकवे शिकायत के अपना काम करते चले जाना, क्योंकि पीछे आजमाइश की बात हुई तो यहाँ आजमाइश की मिसाल सामने आई, और आजमाइश पर सब्र करने पर अमली रहमतें जो आती हैं, यानी जो वादा अल्लाह ने किया है कि ऐसे लोगों पर रहमतें नाजिल होंगी और नवाजिशें होंगी, उसका अमली नमूना इस आयत में बता दिया गया कि देखो कि किस तरह अल्लाह ने उस खातून की भाग दौड़ को कबूल किया, उसके सब्र को, क्योंकि शौहर के बगैर रहना, नान नफके के बगैर रहना और बिल्कुल एक वीराने में रहने को कबूल कर लेना सिर्फ इस बात पर कि ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं राजी, तो उस पर अल्लाह ने दुनिया में ही उनको कबूल कर लिया। और जहां वो चढ़ी थी उन्हें क्या कहा गया, शायर अल्लाह, अल्लाह ने उनको अपनी निशानियां करार दिया, यानी उनको पसंदीदा मकामात करार दिया। हालांकि वो क्या था, एक औरत की दौड़ थी। हम भी दौड़ते रहते हैं घर से काम पे, काम से घर पे, बहुत दौड़ें लगती हैं, लेकिन हमारी दौड़ें सिर्फ दुनिया के लिए, दीन के लिए नहीं, अल्लाह की खातिर नहीं। वो अल्लाह के एक हुक्म पर सब्र और शुक्र के साथ, बगैर किसी आर्ग्यूमेंट, बगैर किसी हुज्जत और बगैर किसी ऐसे तकलीफ दे बात के सरे तस्लीम खम। तो जहाँ हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने अल्लाह का घर बनाया और वो खाना काबा अल्लाह की निशानी करार पाया, तो बिल्कुल उसके साथ ही हजरत आजरा की दौड़ की वजह से दो पहाड़ियों को अल्लाह ने अपनी निशानियाँ कहा। फरमाए इन सफ़ा वल मरवा मिन शाइर अल्लाह فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا। تو حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہاں طواف کرے، کیونکہ یہ پہاڑیاں اساف اور نائلہ کے لیے نہیں جو دور جاہلیت کے بت تھے جو ان پہ رکھے گئے تھے، بلکہ اس سے پہلے
حضرت حاجرہ کے اس عمل کی یادگار ہیں۔ ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے نیکی کرے، یعنی جو چیز اپنے دل کی خوشی سے کوئی کرے، اللہ کی اطاعت کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علم والا ہے۔ یعنی اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، وہ کسی کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، وہ قبول کرتا ہے، اور اللہ عمل کرنے والے کو اس کے عمل سے بڑھ کر دیتا ہے۔ یہی ہے اللہ کا شاکر ہونا۔ یعنی اللہ شکر گزار ہے نہیں، بلکہ کیا مانے؟ قدردان ہے۔ شکر اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کی نیکی کو اکنالج کرنا، اس کا اعتراف کرنا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے اگر ہو، اور بندوں کی طرف سے ہو تو اللہ کی نعمت کا اقرار کرنا، اور پھر عمل سے اس کا اظہار کرنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی پھر قدردانی کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس پر ایک نیکی کا اجر 10 گنا تو کم از کم دیتے ہیں، بعض اوقات 700 گنا بھی دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس نیکی کو لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیتے ہیں کہ آنے والی نسلیں اس کی یاد تازہ کرتی رہیں۔ اور علیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، کیا کس کے دل میں ہے، کون کس جذبے سے کام کر رہا ہے، کون کیسی کوششیں کر رہا ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ ایک اور جگہ پر سورۃ الحج آیت 32 میں آتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، اور دلوں کے حال اللہ کو معلوم ہے۔ تو ان جگہوں کی حرمت کا خیال رکھنا، ان جگہوں کو آباد کرنا، ان جگہوں پر اللہ کا حکم مان کر جانا، یہ سب کیا ہے؟ ان نشانیوں کا احترام ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو اور نشانیاں ہیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ جیسے قرآن مجید ہے، اذان ہے، نماز ہے، ان سب چیزوں کا ادب اور احترام لازم ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان نے جو جو ترقی کی ہے، یعنی مادی ترقی کی ہے، تو ریلیجن، دینی شاعر اس کی نظر میں کم ہو گئے۔ یعنی پہلے زمانے میں بھی لوگ شرک کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، لیکن نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں یا اللہ کے دین کے بارے میں ایسی بد زبانی اور ایسی بد اخلاقی نہیں برتتے تھے۔ اب یہ جو ذہنی آزادی اور فکری آزادی کا جو دور آیا ہے کہ انسان کو آزادی دے دی گئی سو کالڈ کہ وہ جو چاہے بولے، جو چاہے کرے، جو چاہے لکھے، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں کوئی چیز سیکرڈ نہیں رہی۔ آپ چاہیں تو قرآن کو کریٹیسائز کریں، آپ چاہیں تو نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں جو چاہے لکھیں، چاہیں تو کسی پروفٹ کا مذاق اڑائیں، کارٹون بنائیں، چاہیں تو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی سلوک کریں، اور اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کیا کہہ کے؟ فریڈم آف اسپیچ۔ یہ کیسی فریڈم آف اسپیچ ہے کہ جس کے ذریعے کسی عزت والے کی عزت نہ رہے، اور وہ جو سب سے زیادہ عزت کا مستحق ہے، تعظیم کا مستحق ہے، محبت کا مستحق ہے، انسان اسی کا مذاق اڑانے لگے یا اس کے دین کا مذاق اڑانے لگے، تو کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، دینی شاعر کے بارے میں صرف فریڈم آف اسپیچ کے نام پر کوئی بھی غلط بات کرے۔ اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کسی دین کو نہیں مانتے، اگر وہ ایسا کرے تو وہ پھر بھی انسان سوچتا ہے کہ ان کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ لیکن زیادہ افسوس کی بات اس وقت ہے کہ جب خود مسلمانوں کی اولادیں اور خود مسلمانوں کے گھروں میں ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو اس فریڈم کے نام پر ہر چیز کا مذاق اڑائیں، یا ان کو غلط ثابت کریں، یا ان کی تحقیر کریں، اور ان کو غلط طریقے سے کریٹیسائز کریں۔ اللہ کی تخلیق میں انسان کوئی کجی نہیں پاتا۔ کجی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ٹیڑھا پن۔ آسمانوں کی تخلیق دیکھیں، زمین کی ہر چیز کے اندر اپنی حکمتیں ہیں، اور آسمان سے زمین تک کی ہر چیز ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر رہی ہے۔ جس رب کی ساری تخلیق میں کوئی کجی نہیں، اس کے دین میں بھی کوئی کجی نہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کے بہت سے احکامات ہماری عقل میں نہیں آتے، یا ہماری عقل میں جب ٹیڑھ ہو گئی، یا ہماری اپنی نگاہ میں جب ٹیڑھا پن آیا، تو سیدھی چیز بھی ہم کو ٹیڑھی نظر آنے لگی۔ تو اس لیے دین کا تقاضا کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ جو بھی اللہ نے احکامات دیے ان پر خوشی سے عمل کریں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو والنٹریلی اپنے دل کی خوشی سے اچھے کام کرے گا،
तो वो याद रखे फ़इन अल्लाह शाकिरुन अलीम, अल्लाह भी उसकी कदरदानी करेगा और वो उसके बारे में जानता है और उसको बेहतरीन अजर उसका अता करेगा। तो आखिर में ये जो दो सिफात है ना, शाकिर और अलीम, दोनों साथ साथ है। क्यों? ताकि इंसान मुतमइन रहे कि उसका अजर ज़ाया नहीं होगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, उसकी कदरदानी की जाएगी। इसलिए मुश्किल वक्त में अल्लाह की इबादत और इताअत से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि सब्र जो है वो सिर्फ मुसीबत आने पर ही नहीं किया जाता, अल्लाह की इताअत करना भी सब्र का काम है। यानी अल्लाह की बात मानने में भी सब्र से काम लेना पड़ता है। कैसे? जैसे रोज़ा है, सरासर सब्र है। इसी तरह हज है, ज़कात है, अपना माल खर्च करना है, ये सब किस बात का तकाजा करता है? सब्र का। इसी तरह जब आपके दिल में कोई बुरा ख्याल है और आप बुरा काम करना चाहें तो अपने आप को रोकना, ये भी क्या है? सब्र है। तो सब्र इताअत पर भी होता है और सब्र गुनाह से बचने पर भी होता है और सब्र मुसीबत के आने पर भी होता है। और मुसीबतों पर सब्र की सिर्फ एक किस्म है।